दोस्तों जो लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है और ये सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए, सेक्रेटरीज के लिए और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर्स के लिए, डिप्टी कमिश्नर्स के लिए और रजिस्ट्रार्स के लिए, यूनिवर्सिटी इन हरियाणा के जो रजिस्ट्रार्स हैं उनके लिए और ये लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के लिए लेटर जारी किया है चीफ सेक्रेटरी ने। और इसका जो सब्जेक्ट है साथ ही वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दोस्तों एचआरएमएस से संबंधित लेटर है और आप देख सकते हैं रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयी रिकॉर्ड डाटा एंट्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज सर्विस बुक वैलिडेशन ट्रांसफर ऑर्डर ऑन एचआरएमएस सॉफ्टवेयर जनरेशन ऑफ एचआरएमएस आईडी। तो दोस्तों ये एचआरएमएस पर जो सर्विस वेरिफिकेशन का डाटा है, ट्रांसफर ऑर्डर है और उसके साथ साथ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी से संबंधित जो भी डाटा हमें एंट्री करनी है एचआरएमएस पे उससे संबंधित है, उसको पूरा करने से संबंधित जो है हमारे पास ये लेटर जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन टू लेटर ऑफ यूएन नंबर दिस वाइड विच ऑल द स्टेटरी नॉन स्टेटरी ऑटोनॉमस एंटिटीज अंडर द एजिस ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स वर डायरेक्टेड टू अपलोड द डाटा ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वेदर रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेज्ड अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी पार्ट टू इन एचआरएमएस। यानी एचआरएमएस पर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो चाहे रेगुलर एम्प्लॉय हो और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय आएगा जो पॉलिसी पार्ट सेकंड का आता है उसके अंडर जो आता है उन सभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो एम्प्लॉय आते हैं उनका जो डाटा है जो स्टेटरी हो नॉन स्टेटरी हो और एटमस बॉडी का हो उन सभी का डाटा एचआरएमएस पर कंप्लीट करना आवश्यक है। पहला पॉइंट आपका ये था। दूसरा पॉइंट मेनी डिपार्टमेंट्स आर अप्रोच्ड द गवर्नमेंट ऑफ क्लेरिफिकेशन वेदर द डाटा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज एंगेज इन डिपार्टमेंट्स इस टू बी अपलोडेड इन एचआरएमएस और नॉट। और ये भी बताना है दूसरी पॉइंट में दिया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट्स के अंदर एंगेज जो पॉलिसी पार्ट सेकंड के जो अंडर आउटस्टैंडिंग पॉलिसी पार्ट सेकंड के अंदर जो एम्प्लॉय आते हैं उनका जो डाटा है वो एचआरएमएस पर पूरा हुआ है या नहीं। उसके बाद दोस्तों सम डिपार्टमेंट्स हैव आल्सो इन्फॉर्म दैट नो लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन एचआरएमएस सॉफ्टवेयर फॉर अपलोडिंग द डाटा ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एंड एनआईसी इज आल्सो नॉट इन पोजीशन टू रिजॉल्व द इशू अनलेस देयर आर स्पेसिफिक डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। इसमें साथ ही बताया गया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स की ये शिकायत है कि जो एचआरएमएस पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जो अनुबंध पर लगे कर्मचारी हैं उनका लिंक नहीं दिया गया है और इस संबंध में उसकी जो रिजोल्यूशन है यानी कि जो कंप्लेंट उन्होंने डाली थी हेल्प डेस्क पर वो भी रिजोल्व नहीं की गई है। तो इससे संबंधित ये सेकंड पॉइंट दिया गया है। उसके बाद साथ ही तीसरा पॉइंट है द मैटर हैज़ कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ क्लेरिफाइड दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स बोर्ड्स कॉरपोरेशन एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू अपलोड द डाटा ऑफ ऑल एम्प्लॉय वेदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एचआरएमएस। तो मैटर जो है वो यही है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे रेगुलर हो सभी के एचआरएमएस पर डाटा अपलोड होना अति आवश्यक है। और फोर्थ पॉइंट जो आपका है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द डाटा ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स बोर्ड कॉरपोरेशन एक्सेट्रा एंगेज अंडर आउटस्टैंडिंग पॉलिसी पार्ट सेकंड इज अपलोडेड एचआरएमएस बाय 15/10/2021 पॉजिटिवली। तो ये बताया गया है कि सभी सेक्रेटरी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि वो जो है बोर्ड्स डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में जो एंगेज जो आउटस्टैंडिंग पार्ट पॉलिसी पार्ट सेकंड में जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर कर्मचारी उनका डाटा 15/10/2021 तक हर हाल में कंप्लीट होना आवश्यक है एचआरएमएस पर। NIC is also being directed to resolve related technical issues in the HRMS software. NIC ने इसके बारे में डायरेक्ट रिजोल्व करने के लिए भी जो है प्रावधान बना दिया है HRMS के सॉफ्टवेयर पर। और उसके साथ साथ फॉर एनी टेक्निकल इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर मयंक एट मोबाइल नंबर 9988210071। इस नंबर पर आप किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है HRMS संबंधित तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट जनरल सर्विस वन चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इस ये आपका जो लेटर है साथियों मैं बता देता हूँ 22 सितंबर 2021 यानी कल लेटर है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, कमेंट